हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पांच राज्यों के चुनावों की तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। बंगाल की सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। 292 सीटों के ट्रेंड्स ये बता रहे हैं कि अभी इस वक्त तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी एक बड़े मार्जिन के साथ एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस वक्त की परिस्थिति है। हालांकि बहुत सीटों पर बहुत कम मार्जिन है, इसीलिए हो सकता है कि ये गैप कुछ कम हो जाए। बहुत एक्सपर्ट्स को शायद ऐसा भी लगता हो कि बीजेपी कमबैक भी कर सकती है, जैसा कि बीजेपी के नेता भी बोल करके गए। लेकिन आप देखें तो 90 सीटों का अंतर, लगभग 101 पर बीजेपी और 190 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस लीड कर रही है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसको पार्ट पाने के लिए बीजेपी को जो अब जो राउंड्स बचे हैं गिनती के, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा करना होगा, तभी यहां से कोई वापसी की गुंजाइश बचती है। वरना यह मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने एक बढ़िया चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी ने अपनी इलेक्शन मशीनरी को, अपनी इमेज को और 10 साल के काम को लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल, सीटें क्या कह रही हैं इस वक्त, क्योंकि इंडिया टीवी आपको केवल कोरा एनालिसिस नहीं बल्कि एक एक सीट की जमीनी स्थिति बता रहा है। तो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी आगे है और ये परिस्थिति कैसे बदली है सुबह से अब तक। ऐसे सौरभ, आपने जो कहा उसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, 2016 में 211 सीटें और अभी जो ट्रेंड से उसके आधार पर 190 सीटें। तीसरे टर्म में एंटी इनकम्बेंसी के साथ अगर ये परफॉर्मेंस है तो इसे सुपरलेटिव कहा जा सकता है, इससे कम नहीं कहा जा सकता। ये अपने आप में अप्रत्याशित है और वो भी तब जबकि भारतीय जनता पार्टी
जैसी पार्टी विपक्ष के तौर पर हो, यह बहुत काबिले तारीफ होगा अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील हो जाए। तारीफ यहां दोनों की करनी पड़ेगी, एक तीन से जा रहा है ऊपर जा रहा है और दूसरा अगर वापसी कर रहा है इतनी टक्कर के बाद भी। और यहां पर जो नजर आ रहा है फर्स्ट फेज की 30 सीटों की बात करते हैं जिसमें मिदनापुर है, पूरा का पूरा जंगल महल का इलाका पड़ता है, और जैसे कि पोताशपुर, कांथी उत्तर, यहां पर जो लोगों ने सोचा था कि यहां पर बीजेपी आगे जाएगी वो तो नजर आ रहा है खेजुरी तक, ये पहले से ही तय था कि यहां पर आएंगी। इस इलाकों में हमें ये ट्रेंड भी मिला था, एग्रा वगैरह मिला था। और जो बाकी आप देख रहे हैं झाड़ग्राम, एक यहां पर शॉकिंग था कि झाड़ग्राम में लग रहा था कि 50-50 की लड़ाई है, लेकिन जो झाड़ग्राम की जो सीटें हैं वहां पर अगर टीएमसी सामने आ रही है, हमें यहां पर 50-50 नजर आया था जो यहां पर ठीक दिख रहा है। खड़गपुर में टीएमसी आगे आ गई है, गौरपेटा, शालबोनी, मेदिनीपुर में टीएमसी, बीनपुर, बंदवान, यहां पर जो बीजेपी हमें लगी थी कि आगे जाएगी यहां पर टीएमसी भी आगे चल रही है। ये बांकुड़ा के इलाके में पड़ता है बंदवान जो इलाका पड़ेगा, इसके अलावा बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया और ये बाकी जो इलाके यहां दिख रहे हैं पुरुलिया में भी, सालतोरा में, लेकिन हाँ सालतोरा में बीजेपी जो बहुत इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि यहां पर एक जो मजदूरी करती है महिला उसको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया था। अभी तक तो यहां पर पहले टीएमसी आगे जा रहे थे लेकिन एक बार फिर से बीजेपी अगर यहां पर आगे जा रही है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीट है। रानीबांध यहां पर भी हमें लगा था कि हाँ ये बांकुड़ा की जो सीट है यहां पर बीजेपी आगे जाएगी। तो कुल मिलाकर जो एक ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है अभी तक जो जिन सीटों पर हम गए थे वो सही था। अगर हम इसके हम थोड़ी ही देर में इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि पुरुलिया और खड़गपुर में तृणमूल कांग्रेस कैसे आगे जा रही है, मुझे लगता है सज्जन इस पर अपनी विशेष टिप्पणी जरूर। एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद इनके अलावा अगले चरण में जो सीटें जिन पर चुनाव हुआ था सेकेंड थर्ड फेज में उनकी भी होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बहुत बेहतर करती दिखाई दे रही है, 190 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दौर के पिछले चुनाव की तुलना में इस बार जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, 3 से बढ़कर 100 के पार जाने की परिस्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन जो दावा था 200 सीट पार का या दावा था पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का, फिलहाल उस दावे से बहुत दूर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। ये बात सही है कि अभी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा वोट नहीं गिने गए हैं, ये भी सही है कि इस बार कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से वोट के गिनने में थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी अंतर सीटों के लीड्स में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये क्यों है और किस किस सीट पर है ये आपको बताएंगे अमित। तो हम आपको बताते हैं कि अब फेज टू में क्या हालात यहां पर दिख रहे हैं। फेज टू बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि नंदीग्राम की सीट वहां पर थी, लेकिन सबसे पहले नंदीग्राम की तरफ ही चलते हैं। नंदीग्राम में अभी भी बीजेपी लीड कर रही है, यानी कि शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अगर पोलराइजेशन हम लगातार कह रहे हैं कि जो पोलराइजेशन हुआ है
तो ये देखिए पोलराइजेशन का ये असर है, इसको एम्फसाइज करना चाहिए। टीएमसी 190 पर लीड कर रही है और ममता बनर्जी ट्रेल कर रही है, ममता बनर्जी पीछे चल रही है। और जो हम लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं बटे, मुस्लिम वोट सीधा टीएमसी को गए हैं, तो अगर दूसरा वोट पोलराइजेशन हुआ तभी नंदीग्राम में पोलराइजेशन से जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। नंदीग्राम में ये फिर टेस्ट केस सिनेरियो, केवल एक ही आप सीट को क्यों मान रहे हैं, फिर वो बाकी सीटों पर भी दिखना चाहिए, फिर वो काउंटर पोलराइजेशन बाकी सीटों पर क्यों नहीं है, क्यों 101 पर है? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों है, क्योंकि नंदीग्राम जो इलाका पड़ता है ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, यहां पर इनकी अच्छी खासी लोकल जो वहां पर लोग हैं उनके साथ अच्छी पकड़ है और उनके पूरे परिवार का है, और वहां पर जो उनके सपोर्टर हैं, उनके जो सपोर्टर है प्लस वहां पर जो एक पोलराइजेशन हुआ उससे उनको फायदा हुआ है। और बाकी भी जो अगर हम कहते हैं कि बाकी इलाकों में क्यों नहीं हुआ, बाकी इलाकों में इसलिए नहीं हुआ कि जो वहां का जो लोकल कैंडिडेट या फिर कोई लोकल थे वो अपने साथ लोगों को नहीं ला पाए हैं। इसके अलावा हम हल्दिया की बात करते हैं सौरभ, हल्दिया में जहां पर ये सीपीएम के पास थी सीट 2016 में, वहां से स्विच किया उनके विधायक ने बीजेपी के साथ, वो उसका फायदा होता दिख रहा है। इसके साथ ही तुम लोग देख लीजिए ये जो इलाके हैं लेकिन देखिए यहां पर किस तरह से चेंज हो गया, जो मैं बोल रहा था दक्षिण 24 परगना कि जिसमें बीजेपी के लिए दिक्कत है सीटें निकालना, और वहां पर टीएमसी बहुत स्ट्रांग है, वो एक बार होता जा रहा है, गौशबा, उसके बाद पाथर प्रतिमा, कागदीप और सागर, ये सुंदरबन का बड़ी खबर आपको बता दें, टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो की हार लगभग तय है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं इस वक्त बाबुल सुप्रियो। टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो की हार अब लगभग तय मानी जा रही है, हम क्योंकि वोटों का मार्जिन बहुत ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा वोटों से बाबुल सुप्रियो इस वक्त अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। उन सांसदों में से एक हैं, शायद 5 सांसद थे जो कि चुनाव लड़ रहे थे इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का चुनाव, और उसमें से एक बाबुल सुप्रियो। लेकिन इसमें हमें सज्जन को एक तरह से अभी बधाई दे देनी चाहिए, एक कॉफी तो बनती है आपकी, क्योंकि आपने ये बात सामने रखी थी और बाबुल सुप्रियो ने इंडिया टीवी पर ये कहा था कि मैं किसी कीमत पर नहीं हार सकता, तो आपकी बात यहाँ सही होती दिखाई दे रही है। 20,000 वोट का मार्जिन बहुत मुश्किल है कवर कर पाना, और ऐसा लगता है कि बाबुल सुप्रियो अब न सिर्फ अपनी सीट हारेंगे बल्कि लोकसभा से भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा। और ऐसे और कौन कौन से बड़े नाम थे और उनके चुनाव की क्या परिस्थिति है इस वक्त ये भी बताएंगे, और बाकी सीटों का हाल भी एक ब्रेक के बाद। हाय, I'm Surbhi Sharma। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।